ये एव एव कह के देने नहीं बेटा, सबको गुड मॉर्निंग करता है। मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। और इस ठंड के मौसम में हम लोग निकले हैं सुबह सुबह स्कूल के लिए। संडे की छुट्टी के बाद मंडे मॉर्निंग में मूड थोड़ा फ्रेश रहता है और बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है, रेस्ट मिल जाता है संडे को। मौसम भी काफ़ी ठंडा है, हल्का हल्का कोहरा छाया है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। मौसम देखिए कितना ठंडा है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो गया है और ठंडी ठंडी हवाएं यानी शीतलहर भी चलने लगी है। अपने इस वाहन से धीरे धीरे हम लोग स्कूल की तरफ बढ़ते हुए सीतापुर वाला हाईवे जो मेन रोड है उसको छोड़कर हम लोग इधर आ गए हैं अब अपने स्कूल की तरफ बंदा के रास्ते। ये सिंगल रोड है, हालांकि खाली रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक इस पर नहीं होता है, हमारे स्कूल की तरफ जाता है सीधा। और रास्ते का नज़ारा हम आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं। से पिए है, आराम मिला होगा, काल किया है आज किया, वो उसी से सही होगी। तो कितनी भी दवा करा ली। और स्कूल टाइमिंग से पहले रसोईया लोग सुबह सवेरे आके झाड़ू वाड़ू करके कूड़ा उठा देते हैं। देखिए साफ़ सफाई कितनी बढ़िया है। भंडारी लोग अपनी अपनी झाड़ू लेकर साफ सफाई में लगी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरा प्रांगण बनाया है स्कूल का। हमारे स्कूल की जो कुक हैं स्कूल के कैंपस को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। देखिए झाड़ू लगा के कहीं पत्ते गंदगी कुछ नहीं मिलता है, कूड़ा करकट सब उठा देते हैं। और पेड़ पौधों के नीचे भी साफ सफाई बहुत रखती हैं। रसोईया लगी है उधर साफ करने की, कूड़ा सब इकट्ठा करके बाहर फेंक देंगी है। खाली टाइम में हम लोग भी पौधों को क्यारियों को टाइम देते हैं। बालियां फिर से आ गई है इस पे, बार बार हम इसकी बालियां तोड़ देते हैं, पौधा बढ़ता है। देखिए एक पौधा कितनी दूर तक फैल गया है, बढ़ाना है गुरुजी इसको, इसको ऊंचा करना है। हाँ ऊंचा करना है भाई, बालियां तोड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बाली तोड़ने से देखिए कितनी सारी बालियां तोड़ के हमने गिरा दी है उस तरफ। ये कई वर्षों तक चलेगा, ये गिरा दिया नीचे, कई वर्षों तक चलेगा ये इस तरह से अगर वाली तोड़ते रहे। सूखने नहीं देंगे इसको, बिल्कुल न सूखने देने का बीड़ा उठाया है भाई। बढ़ाना है इसको पूरा। तुलसी बहुत जरूरी है सर, इसके गुण बताइए कुछ। इस समय तो गुरुजी स्कूल बंद है तो रसोई वसोई भी चल नहीं रही जी, इसकी ये जो बाली है हाँ जी, चाय में डाल लो, चाय में डाल, गुणकारी है औषधि, बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेदिक है, बहुत आयुर्वेदिक है भाई। हम लोगों का तो वैसे ही आयुर्वेदिक से लगाव है। और कौन सी वैरायटी है सर? ये है श्यामा वैरायटी, सांवली है ना। हाँ अच्छा, हाँ इसलिए श्यामा वैरायटी। कौन सी है? हरी वाली वो अंदर है, ये रामा वैरायटी है। देखिए ये थोड़ा सा छुपी हुई है, ये बेल के अंदर छुप गई है, ये रामा वैरायटी है जो ग्रीन कलर की होती है ना सर जी, वो रामा है। ये अपनी श्यामा है, सांवली कलर की। किसी ने कहा भी तो है भाई, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्यों सर जी? जी इसलिए खुद को व्यस्त रखो, मस्त रखो और स्वस्थ रहो। खाली टाइम में घर वालों की याद आती है। बिल्कुल बात सही है, व्यस्त रखो तो घर वालों की भी याद नहीं आएगी, लेकिन शाम को करते हैं फोन। ये दिन में हम काम में बिजी रहते हैं, सुबह शाम खाना बनाते हैं। बिल्कुल, खाना बनाने खाने के बाद शाम को फोन करते हैं बच्चों। जी 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 करते रहना चाहिए भाई, सबका ख्याल रखना है, स्कूल में स्टूडेंट का, घर पे माई बाबू का, बच्चों का, जरूरी है गुरुजी, सबका ध्यान रखना। दीदी के पास भी फोन कर लिया करो सर कभी कभी, दीदी के पास भी करते हैं। हाँ बीच में परेशान रही ना, वो दो बहनें हैं, दोनों के पास करते हैं फोन जी, लगातार करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही, करना चाहिए, जहाँ भी नाते रिश्ते हैं हमेशा उनसे जुड़ाव रहना चाहिए। क्यों सर जी? हाँ गुरु जी जरूरी है, ये रिश्तों की सिंचाई जो हमारे हेड सर कहते हैं ना, हाँ वो सही कहते हैं कि पौधे की अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा सूख जाएगा, तो पौधा सूख जाता है। और रिश्ते की अगर सिंचाई अर्थात अगर वहाँ आना जाना, फोन बात करना, दुख सुख में काम आना, ये सब नहीं करेंगे तो रिश्ता मुरझा जाता है, पौधों की तरह, पौधों की तरह सूख जाता है। इसलिए हमेशा पौधों को और रिश्तों को हरा भरा रखने के लिए
सिंचाई करना जरूरी है, सिंचाई करना जरूरी, पानी देना जरूरी। बालियां तोड़ दी सर आपने, देखिए कितनी तोड़ दी हैं। ये देखिए हमारे अरविंद सर ने ढेर सारी बालियां तोड़ दी। सूखेगा नहीं अब ये पेड़? अब क्यों सूखेगा? नए पत्ते आएंगे, नई डालियां आएंगी, ऊपर बढ़ेगा। ये बालियां ही सुखाने का कारण है, बाली आ गई पौधा पक गया तो सूख जाएगा। बिल्कुल। वैसे तो प्राथमिक स्कूलों में एक अनुचर यानी चपरासी की आवश्यकता है, जो थोड़ा बहुत काम देखता रहे, पेड़ पौधों में पानी वानी लगाता रहे। लेकिन चूंकि यहाँ प्राइमरी स्कूलों में अनुचर की कोई व्यवस्था नहीं है, तो खाली समय में जिस समय स्कूल में बच्चे नहीं हैं, पढ़ाई नहीं चल रही है, अपना थोड़ा बहुत टाइम हम लोग खुद ही पेड़ पौधों को देते हैं, पानी वानी लगा देते हैं, निराई गुड़ाई कुछ कर देते हैं, छोटे पौधे भी लगाए हैं। तो ऑफिस का इतना ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा काम था वो निपटाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि पौधों में पानी ही लगा दिया जाए, और जो कि हम वीकली एक बार ज़रूर लगाते हैं पौधों में। हाँ, तक चलेगा हाँ ये तो है। हाँ नल ठीक है साहब, बिल्कुल जल्दी बाल्टी भर देता है। हाँ ये तो है भाई, इनके नीचे कुर्सी डालेंगे इस साल, हम क्लास चलाया करेंगे बच्चों को, गर्मियों में इन्हीं के नीचे पढ़ाएंगे सर इस बार। बस पाल से पालते रहिए इनको। हाँ देखिए कुर्सी डालने की जगह हो गई, बच्चों के बैठने की, और हो जाए क्लास लगेगी इनके। हाँ क्लास लगेगी सर, मेहनत का फल मिलेगा सर गर्मियों में। हाँ, जुलाई के महीने में। सुमने सर, हमारे विद्यालय के आंगन में कूड़ा करकट घास वास नहीं होती है, हमारे रसोईया जो हैं बहुत मेहनती हैं। देखो कितना साफ सुथरा आंगन है। हाँ, ये। आज इस साइड में सफाई की है भंडारी ने, देखिए। साई भाई नमस्ते। साहिबा नहीं है इसमें, लेकिन ले जाके दिखाएंगे साहिबा को। भंडारी सोच रही है कि वीडियो कॉल चल रही है और प्रीति इसमें आ रही होगी, तो नमस्ते करती है प्रीति को। इस तरफ सफाई की है आज भंडारी ने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये कूड़ा उधर इकट्ठा कर दिया, इसको बाहर फेंक देंगे। जला देंगे? हाँ इसको जला देंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा आंगन। रसोईया लोगों की मेहनत से ही तो ये आंगन इतना साफ सुथरा रहता है, वरना बच्चे नहीं है ऐसे में तो घास जम जाती, कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता। जब हम लोग आए थे पूरी साफ सफाई रहती है, देखिए आंगन में एक भी पौधा नहीं था सर, एक छोटा सा पौधा भी नहीं था विद्यालय में जिस समय हम लोग आए थे। लेकिन आज देखिए कितने पौधे हैं, इस तरफ लाइन लगी है, इधर हैं, ये हैं इतने, और उस तरफ हैं, और उधर नल की तरफ हैं कितने सारे पेड़, बाउंड्री के अंदर हैं। जो आने वाले एक दो साल में छाया की कोई कमी नहीं रहेगी, देखिए एक पेड़ तो कितना ऊंचा हो गया है, ये इसके पत्ते घने हो जाएं तो छाया ही छाया है फिर तो। सैतूत का पेड़ है, सैतूत का, इसके पत्ते थोड़ा घने हो जाएं फिर तो छाया ही छाया है आंगन में। बोटल ब्रुश भी लगाए एक साथ इधर, बोटल ब्रुश, उस पे ब्रुश आ रहा है देखिए। ये लाल वाला फूल जिस पे है ये मुर्गा कलमी है, ये मुर्गा कलमी, और ये बोटल ब्रुश है जिसमें लाल रंग के ब्रुश आ रहे हैं। ब्रुश दिखाओ, ऊंचे है ब्रुश। हाँ ऊंचे है। देखिए एक ब्रुश दिखा देते हैं, टूट ना जाए डाली, नहीं टूटेगी। ये देखिए सर, ये है बोटल ब्रुश बन रहा है, इसको ब्रुश बन रहा है ये। हाँ जी, बोतल साफ करने वाला। हाँ जी, आगे ये जो डोडी है ये और खिलेंगी और फूल लंबा हो जाएगा, ये ऊपर कई सारे फूल हैं ऐसे ऊंचे हैं ज़्यादा। और इधर कोने में है सुमने सर के लगाए हुए अमरूद के पेड़, देखिए अमरूद आते हैं बरसात के मौसम में, इस पेड़ पे बहुत अमरूद आए थे।
काफी बच्चों ने खाए, समय भी कुछ लगे हैं थोड़े बहुत। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ देखिए, और साफ सफाई तो देखने लायक बिल्कुल। क्लास चलाया करेंगे सर? अच्छा, बच्चों की क्लास चलेगी पेड़ के नीचे यहाँ गर्मी के मौसम में? पेड़ के नीचे यहाँ बच्चों की क्लास ही चलेगी, यहीं पढ़ेंगे बच्चे बैठ के छाया में।